आरा सदर अस्पताल के डॉक्टर टीएन अंसारी और भोजपुर डीएम संजीव कुमार के बीच आज हुए विवाद के बाद सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने डीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कार्य ठप कर दिया है। वहीं डॉक्टरों ने काम को ठप कर देने का कारण जहां एक ओर सदर अस्पताल आने वाले मरीज को बेरंग लौटना पड़ रहा है, वहीं इसी बीच इलाज के अभाव में एक महिला मरीज और एक नवजात की मौत हो गई। डॉक्टरों ने हड़ताल का खामियाजा दो मरीजों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। वहीं इस बीच सदर अस्पताल आए मरीजों में पहले से भर्ती मरीज के बीच भी अफरा तफरी मची रही। महिला मरीज का नाम फुलवंती देवी बताया जा रहा है, जो नवादा थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले के रहने वाली बताई जाती है। वहीं मृत नवजात के माता पिता जगदीशपुर के हरी गांव के रहने वाले हैं और जो बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण इलाज को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे थे। बच्चे की हालत बिगड़ती चली गई, लेकिन उसे देखने के लिए कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसके बाद उसकी जान चली गई। कितना वार्ड है यार? हैं और लोकतंत्र में जो सरकारी नियम है, नियमों के अनुसार कार्य हो रहा था अस्पताल में, और जबरदस्ती उनको इमरजेंसी से उठा के लिया गया और इसमें कोई सबूत ही होते हैं, वीडियो सारे वीडियो में क्लियर कट कट है, और जबकि कहा गया है कि डॉक्टर साहब इमरजेंसी में है, काम कर रहे हैं, ये नहीं जा सकते। डॉक्टर राजेश कुमार सिन्हा, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भाषा।